ये देखो गाइस, बस खड़ी है नॉन स्टॉप, 4 घंटे में पहुंच जाती है दिल्ली है, 5 घंटे। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनुभव शर्मा और फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो नहा वहा के हो गया हूं रेडी और डेट है आज 22। यस गाइस, 23 को हम मिलेंगे इस ब्लॉग का जो। तो गाइस डेट है आज 22 और बज रहे हैं सुबह के 10। तो नहा वहा के हो गया हूँ रेडी और ये देखो बेला को भी नहा दिया हूँ, बेला। तो गाइस अभी ये सीन है कि आज फाइनली हम लोग का 20 को एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। उस दिन भी मैंने ब्लॉग किया था बट जल्दी जल्दी बारिश वारिश का सीन हो गया तो हो नहीं पाया ब्लॉग। तो आज से डेली ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा 22 फेब से। तो आज का सीन ये है कि अभी हमें चलना है, फटाफट से नहा लिया, नाश्ता वास्ता करके चलना है पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस के बाद बहुत सारे काम है और मैं चल रहा हूँ अब बिहार घर। तो फटाफट से अब डेली ब्लॉग आएंगे बिहार के। हो सकता है अपलोड में थोड़ी ऊपर नीचे हो क्योंकि यू नो इंटरनेट, मोदी जी देख रहे हो। तो बिहार में समस्तीपुर गांव से हूँ मैं, एक समस्तीपुर बिरसिंहपुर से, वहाँ टावर लगवा दे यार। छोटे मोटे ब्लॉगर को UKG रेस्टोरेंट तो बहुत ऊपर चले गए। ओ गाइस भयंकर नेटवर्क, लेकिन हमारे इधर कोई भयंकर नहीं होता है, वहाँ भयंकर बेड़ी। तो चलिए चलते हैं। हेलो, देख रहे हो कितना क्यूटी है। शेक हैंड, थैंक यू। शेक हैंड, शेक हैंड, शेक हैंड, शेक हैंड, शेक हैंड, थैंक यू। गाड़ी वाड़ी पार्क हो गई है, पासपोर्ट का काम भी हो गया डन। और ये मीट सालनी जी, ओ माय गॉड, सन किस्ड फोटो। काफ़ी साफ रखा है गाइस ऊपर ना, तो ज़बरदस्त मौसम, ऐसा मन कर रहा है चला जाऊँ लेकिन बिहार जाना भी इम्पोर्टेंट है। ये देखो गाइस मौसम, पूरी पहाड़ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सब सामान वान पैक कर लिया हूँ मैं, ये देखो। और इधर CCTV वाले भैया आ गए, गाड़ियाँ भी परफेक्टली पार्क कर दिया हूँ, एक इधर एक उधर एक अंदर, बाइक वाइक भी उधर लगी हुई है। इधर देखो कालू बैठा है, इधर बैठा है बेलू। बेलू बाय बाय, टाइम लगेगा आने में मेरे को। गाइस तो अभी मैं जा रहा हूँ बस के लिए, तो अभी मैं रुक के बताऊँगा कि आपको बस की टिकट का प्रोसेस क्या है बेसिकली। गाइस फाइनल ले लिया मैंने ऑटो जुल्फों के साथ, देहरादून को अलविदा कहते हुए, मतलब 10-15 दिन के लिए। कुछ भी बोलो, जगह तो है अच्छी। मैं सफर के साथ ही भैया, गाइस फाइनली आ गए हम देहरादून के बस स्टॉप ISBT। और ये देखो आपको भी दिखाता हूँ, ये है एंट्री यहाँ के बस स्टॉप का। ये मेरा बैग और ये कुछ बाहर के नज़ारे। तो बाय बाय देहरादून। ये देखो गाइस, बस खड़ी है नॉन स्टॉप, 4 घंटे में पहुंच जाती है दिल्ली है, 5 घंटे। बस 960 रुपीज़ के आसपास फेयर है। UTC ऑनलाइन करके आप सर्च करो क्रोम पे, वहाँ पे जाओ, डालो बस में, मस्त बैठ के जाओ वॉल्वो, तो बहुत बढ़िया रहती है। देखो है ना, UTC ऑनलाइन बुकिंग उत्तराखंड। मिशलिन की टायर रख रखी, टायर की सेक्शन देखो 2 इंची, इतनी तो हमारे डिगू के कार में भी है। ये देखो ये है ना वॉल्वो 9400, 9400 की होती होगी, इसलिए ये है। इतनी तो नॉलेज नहीं है, थोड़ी जल्दी अब ब्लॉग शुरू करेंगे ना ऑटोमोबाइल की, ऑटोमोबाइल की जब ब्लॉग शुरू करेंगे तो मैं पूरा ज्ञान ले लेता हूँ बस की भी। तो बस बस की ट्रक रख के ना रिव्यू भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग आता है मेरे को तो लगता है। वो देखो चांद उग रखा, मौसम हो रखा ऑसम। तो फटाफट से अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको बस का लुक, पूरी टायर पॉलिश वगैरह मार। तो ये है कुछ बस, नेट 6 बज रहे हैं और बस खुल चुके हैं, तो बाकी देखते हैं कैसा रहता है रिव्यू, कितने बजे पहुँचते हैं हम, 62 में उतर जाएंगे। टू फैट टायर्स, मदरी गाड़ी आ रही है।
टैक्सी नंबर में, फुल शौकीन बंदा हो भाई। ये सारा काम चल रहा है 3 घंटे में दिल्ली पहुंचाने के लिए, जो गडकरी जी एक्सप्रेस वे बना रहे हैं देहरादून टू दिल्ली 2.5 घंटे में। पता नहीं इस साल के 2024 के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा आई होप। तावर तोर काम चल रही है, देख रहे हो। के लिए गाड़ी यहाँ पे रुकी है गाइस, समवेयर अराउंड मुजफ्फरनगर वगैरह कुछ होगा। ये देखो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, हाईवे नेशनल नहीं है कुछ नहीं है, वॉशरूम हो गया उस पर शायद। गाइस अभी हम लोग हैं सैंडविच की सेक्टर 62 में, मजे में दिल्ली। ये भैया को देखो चिल मार रहा है। तो है गाइस दिल्ली जैसी नाइट लाइफ कहीं नहीं है, देखो मेन्यू रात को भी देख रहे हो, टू मच ज़्यादा हो गई मित्रों। तो गाइस जो भी कहो नोएडा की सड़क की बात ही कुछ और है। तो मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेने थे, तो मैं फटाफट से, अभी रात के बज रहे हैं 12 के राउंड, में फटाफट से आ गया था डॉक्यूमेंट उठाने। तो अभी डॉक्यूमेंट उठा ली सर के, देख रहे हो यार सेक्सी, मिस करता हूँ इसी रोड पे मैं डेली जाया करता था अपने RR से, तो कभी फेजर से, R15 से कभी नहीं गया। तो इट्स मेमोरी, काफ़ी बढ़िया मेमोरी थी, सारे दोस्त भी अच्छे थे, दोस्त हमेशा ही अच्छे होते हैं, फ्रेंड्स आर ऑलवेज गुड, आप में कुछ कमी होती है कि दोस्ती ख़त्म हो जाती है, समझ रहे हो। चलो कोई नहीं, नेवर दी लेस। तो फटाफट से अभी घर पहुंचते, चाय वाय पीते और फिर चेंज वेंज करके इस ब्लॉग को एंड करते, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तक देखते हैं अमन भैया करने अगर कैसा है, भाभी भाभी से मिलते हैं। तो गाइस सुबह हो गई है मस्त, और इतनी सुबह मैं दिल्ली में तो कम ही उठता हूँ, मतलब इनकी AC कभी उठा हो, तो दिल्ली की हवाओं का मज़ा ले रहा हूँ बिल्कुल। और सामने देखो, सामने है MIT इंटरनेशनल स्कूल, MIT तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। तो हम आ गए हैं दिल्ली, और आज हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।